गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है आपकी भाई। ये तो बहुत आपकी मुझे आदत अच्छी लगती है कि आप जो है ना रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले उसकी कुछ तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आने लग गए हैं सब लोग ही। कोई शॉपिंग के हवाले से मसरूफ़ है, कोई इस हवाले से मसरूफ़ है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कोई प्लान कर रहा है कि इस दफ़ा रमज़ान में मैंने वज़न भी कम करना है। इबादत का जो मज़ा है वो तो है ही है, सवाब का मज़ा है वो तो है ही है, लेकिन ज़रा वेट लॉस का भी कुछ हमने प्रोग्राम करना है, कुछ अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल करना है। अच्छी बात है, इस तरह की बातें सोचनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ साथियों, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अब की बार रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जाके एक और एक्टिविटी भी है जो हमारा बहुत सा ध्यान बटाएगी, और वो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है मई के आखिरी हफ्ते में। तो जनाब, आज के शो में हमने सोचा कि ट्रेनर काशिफ से हम ये कहें कि वो ज़रा कुछ हमें प्लान करके लाएं। आपको याद है कुछ दिन पहले उन्होंने आपसे वादा किया था कि रमज़ान के महीने में हेल्थ और फिटनेस के हवाले से किस तरह के टिप्स हो सकते हैं, चाहे वो डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से हो या आपके जिम के और एक्सरसाइज के रूटीन के हवाले से हो। तो आज ट्रेनर काशिफ ने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टिप्स इकट्ठी कर रखी है। तो सब तैयार हो जाएं रमज़ान को हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक रखने के लिए ट्रेनर काशिफ की टिप्स होंगी। एंड ऑफ कोर्स मेरे क्लास फेलो एसएमए आज हमारे साथ होंगे, और एसएमए वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अब तैयारी हो रही है ना जी। तो ज़रा क्रिकेट फीवर भी, वैसे क्रिकेट फीवर के बारे में कहता हूँ, ये भी कुछ टाइफाइड की फीवर की तरह होता है, मतलब अभी PSL का फीवर अभी पूरी तरह से उतरा नहीं होता तो क्रिकेट फीवर का रिलैप्स हो जाता है वर्ल्ड कप के फीवर की सूरत में। यही जिंदगी की खूबसूरती और इसका हुस्न है। तो जनाब, ये सब तो है ही है, लेकिन आज के शो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की शो बिजनेस की, खासतौर पे फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री का एक आइकॉन, एक ऐसा नाम कि जिनको देखकर, जिनके काम को देख के इस वक्त पाकिस्तान की यंग जनरेशन के जितने भी डिजाइनर्स हैं, वार्डरोब डिजाइनर्स, उन्होंने अपना काम ना सिर्फ शुरू किया, उनसे इंस्पिरेशन हासिल की, और पाकिस्तान की जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, जो फैशन इंडस्ट्री है, आई थिंक वो हमेशा के लिए इंडेटेड रहेगी अमीर अदनान की। और आज हमने सोचा कि उनको अपने शो में बुलवाएं और उनसे ये जाने कि उनको कैसा फील होता है कि वो नए पौधे लगाते जाते हैं और नए पौधों को ग्रो करता देखते हैं। ये कैसी फीलिंग है, खासतौर पे उस इंडस्ट्री के अंदर के जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जहां पे हर कोई कहता है अरे नहीं, मैं नंबर वन। तो इस सारे चक्कर के अंदर ये फराख दिली और ये बड़ा दिल होना कि नहीं, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं सबको ग्रो करता देखना चाहता हूं, ये अमीर अदनान की खासियत है मेरी नजर में, जिस पे मैं आज उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। तो ये सब है जनाब आज के ब्रेकफास्ट एट होम में हमारे पास आपके लिए। वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रेनर काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तो सिख भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जनाब, टिप्स तो हम आपसे लेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप हो और कुछ कर्तव्य ना हो जी, आज हमारे पास जो वर्जिश की हरकतें होंगी वो शोल्डर और कोर पे मबनी होंगी। मबनी, मबनी होंगी, मब मबनी नहीं। हां, तो मेरा क्या हुआ, मंब हो गया था, मबनी बे, मबनी होंगी। तो उसके साथ हमारा जो सेकेंडरी मसल है, मेरी और काशिफ की उर्दू की क्लास साथ साथ चलती रहती है सेकेंडरी जो हमारा मसल है, ऑफ कोर्स वो होने जा रहा है हमारा, मतलब जो आपके जोड़ हैं, कूल्हे वगैरह, वो इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि आपने वार्म अप करना नहीं भूलना, 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक अच्छे तरीके से हो जाए तो बहुत बेहतर है। उसके बाद हम शुरू करेंगे बैठ के शोल्डर ब्रेडफोर्ड, हमारी एक एक्सरसाइज है। बेसिकली जो लोग जिम जाते हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग स्मिथ मशीन एक मौजूद होती है जिम में, वो यूज़ करते हैं, या बारबेल होता है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बार पाइप की सूरत में, या आप वेट इस पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी बाहर, ताकि हमारी 90 डिग्री एंगल बन जाए। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, तो यूँ बैठना है और आपने ऊपर जाना है यहाँ से, और यहाँ से ही आपने पीछे लेके आना है ऑल द वे डाउन, पूरा नीचे, ठीक है? ज़्यादा आपने ऑल द वे, पूरी फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है, ये स्मॉल रेंज है कि कॉन्स्टेंट टेंशन रहेगी आपके शोल्डर्स पे, और आपने और सर बचा के, बिल्कुल सर बचा के, नाक बचा के, अपर चेस्ट पे आपने लेके आनी है, ठीक है? 8 से 10 रिप्स करने हैं इसके आपने ऑल द वे डाउन। ये बज़ाहिर बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपके पास नहीं है, क्योंकि खाली सिर्फ बारबेल अगर आप यूज करेंगे फिर भी आपने पूरा नीचे जाना है, तो आपके जो मसल ब्लेड हैं शोल्डर के वो खींचेंगे तो बहुत ज्यादा टेंशन होगी। इसके आपने 10 से 12 रेप्स लगाने हैं, और साथ में आपने वेट अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज होगी। साथ ही आपने सिंगल प्रेस करना है, इस बार को आपने यूं पकड़ना है दरमियान से,
ठीक है। तो सिख भाई मेरी पोजीशन ठीक है क्या, मैं सही बैठा हूँ? बिल्कुल सही। ओके, आप लोगों ने हाथ यूं रखना है दोस्तों, इसको यूं पकड़ा, एल्बो 90 डिग्रीज हुई ऐसे, और आपने यूं प्रेस करना है, सिंगल आर्म प्रेस करना है। अब इसमें बेसिकली जो चौड़ाई है ना और लंबाई, चौड़ाई तो ये हिस्सा हो गया बारबेल का आपकी जो ग्रिप है प्लेसमेंट। अब चौड़ाई की बात शुरू हुई है तो जो ग्रिप बेसिकली आती है, एक आयरन बुल स्ट्रेंथ भी आती है जो कि बार के ऊपर एक ग्रिप लगती है ताकि आपकी ग्रिप और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये पतला है तो मेरी ग्रिप जो है इससे अच्छी हो रही है, लेकिन आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ की, ग्रिप की स्ट्रेंथ को, तो एक आयरन बुल स्ट्रेंथ आती है, एक ग्रिप होती है इतनी सी, वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ये डंबल है ना, इसके ऊपर वो चढ़ जाएगी, तो उससे ये होता है कि हाथ की जो बड़ा हाथ छोटा हाथ वो जो सारा चक्कर होता है उससे आपकी ग्रिप प्लेसमेंट जो है इम्प्रूव होती है। अच्छा, वापस आते हैं इससे, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे और आपने ऑल द वे। अच्छा, मैं बात करता इसकी ऐसे लंबाई की, उससे ये हो रहा है कि आपका जो एंगल है ना डगमगाएगा, तो आपको बैलेंस जो है आपका जो फोकस बढ़ेगा इससे। डंबल जो होता है वो इसकी चौड़ाई इतनी हो जाएगी, यहाँ से इतनी, ये इसकी ऐसे हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा फोकस्ड और इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली इस फॉर्म में, और हमारा एंगल डिफरेंट है बेसिकली। हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड, बट ये इसमें नए मसल्स हमारे रिक्रूट हो रहे हैं। ग्रिप प्लेसमेंट हमारी ऐसे है, पाम इस तरफ आपकी कान की लोक की जानेब, और आपने ऑल द वे यूं करना है। इसी तरह से दूसरे हाथ पे आएंगे, ऐसे बढ़ेंगे, और यकीन जाने जब आप इस पे वजन ऐड करेंगे आपको, ये चूंकि हल्का है लेकिन हल्के में भी आपको भारी लगेगा, तो आपने ये फॉर्म करने 8 से 12 रेपिटेशन करेंगे। उसके बाद हमारी मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्म, ऐसे हाथ रखेंगे और आपने इसको यूं उठा के रखना है, और अब दोनों हाथों के साथ ऑल द वे। मैंने जैसा कि बताया कि हमारा आज फोकस सिर्फ शोल्डर्स पे है, फिर हम कोर पे, उसके साथ हमारा प्राइमरी मसल हो जाएगा लोअर बॉडी के ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। ये आपने करना है यूं ऑल द वे पूरा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे, और हम करेंगे ट्रक ड्राइवर। हाथ ऐसे रखे हमने, और आपने 180 पूरा जाना है। आजकल के जो मॉडर्न ट्रक्स हैं उसमें इस तरह का स्टेयरिंग बिल्कुल नहीं होता, आजकल के मॉडर्न ट्रक्स में भी फॉरवर्ड स्टेयरिंग होता है, और बिल्कुल एक आम गाड़ी की तरह आप उसको बड़े आराम से स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अब ट्रक ड्राइवर का स्टेयरिंग जो है वो इसी हवाले से मशहूर है, इसीलिए ये जो वेट है मैंने 8 किलो का उठाया, मेरे पास छोटा भी पड़ा हुआ है। वैसे प्लेट्स भी होती हैं जो हैवी आप उठाएंगे, हैवी से हैवी आप वेट लिफ्ट करेंगे जिससे आपका वर्कआउट में इम्प्रूवमेंट आ सके। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज की जाने, तो सीख भाई वक्त है बिल्कुल बहुत आधा मिनट है, क्योंकि इसके बाद असल जो काम है वो हमने करना है। अच्छा, वो शुरू करना है असल काम, ठीक है। अब आप आएंगे, देखिए मैंने इम्प्रोवाइजेशन किया, डंबल के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ग्रिप प्लेसमेंट, बार को यूँ रखा और आपने पंचेस करने। अब बेसिकली मेरे पास वो बार नहीं है जो एक्चुअल बार होता है बड़ा, और वेट इसके साथ ऐड करके, और आपने ऑल द वे शोल्डर यूज़ हो रहे हैं। आप देखें मेरी फॉर्म, ऑल द वे अप, नॉनस्टॉप। कह रहे थे कि मैं अभी कुछ करतब करूंगा, ये जो करतब कर रहे हैं इसको करते हुए मैं अपने आप को क्यों मदारी सा महसूस कर रहा हूं। ये करने के बाद आपने फौरन से यहां बैठ के नॉनस्टॉप 50 रेप्स शूट करने हैं, ऑल द वे अप, ऐसे जैसे आप डेड लॉक होने चाहिए शोल्डर्स आपके, फुल स्ट्रेट आर्म्स, ये जैसे पानी का पंप आप चला रहे हो या कुछ ऐसा सूरत है। हेलो, बिल्कुल ठीक है अर्जुन काश्यप, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आज बड़ी अच्छी आपने हमें एक्सरसाइजेस बताई, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यहाँ बैठो, ये आपकी जगह है, तो सिख भाई अच्छा, मैं नहीं ये मेरी जगह है। मैंने कभी किसी जगह को अपनी जगह नहीं समझा, और इसमें जिंदगी में इतना लुत्फ है ना अर्जुन काश्यप, अगर आप ये उसूल अपना लें तो आप यकीन जाने जिंदगी में कोई आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्या उसूल, क्या उसूल, किसी जगह को भी अपनी जगह मत। वाह वाह वाह, आप रोज सुबह इस फ्रेशनेस के साथ उठेंगे कि लुत्फ आ जाएगा, इसको ट्राई करके देखें। लेकिन छोटों को भी चाहिए कि अदब के मामले में बड़ों को जगह देना बहुत जरूरी है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस जगह बैठ के, तो मैं लग रहा है आज तुम्हें इज्जत सी दी जा रही है। आज का टॉपिक तौसीफ भाई, आज का टॉपिक ये जी कि रमजान मुबारक की आमद आमद है, और ट्रेनर काशिफ ने वादा कर रखा था कि आपको हम गाहे गाहे इस वीक के दौरान बताएंगे कि जिम, फिटनेस, डाइट, और इस हवाले से हम रमजान और मुबारक में किस तरह से अपनी रूटीन को लेकर चल सकते हैं, उस हवाले से कुछ टिप्स हैं। नंबर एक, सबसे पहले रमजान में आपने देखना है कि आपका ग्रोथ ऑफ विंडो को आपने किस तरह से बैलेंस करना है। तो सीख भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि 14 से 16 घंटे का रोजा होने जा रहा है, पीछे बच गया आपके पास 8 घंटे, उसमें आपने अपनी वर्कआउट स्ट्रेटजी को भी देखना है, उसके साथ आपने स्लीपिंग साइकिल को भी देखना है, उसके बाद आपका
जो रेस्ट है उसको भी देखना है। तो मतलब पहली टिप क्या है? सबसे पहली टिप ये है कि आपने 3 दिन हफ्ते में वर्कआउट करना है। अच्छा। और 4 दिन रेस्ट करना है। तो ये 3 दिन कंसेक्यूटिव 3 दिन होने चाहिए, एक दिन किया एक दिन रेस्ट, एक दिन किया एक दिन रेस्ट। आपका जो प्लान होगा वो ये होगा, मंडे को आपने 2 मसल्स किए वर्कआउट, जैसा कि आप कह लीजिए चेस्ट एंड ट्राइसेप, अगले दिन आपने रेस्ट किया, ठीक है, फिर उससे अगले दिन आपने बाइसेप एंड बैक को ट्रेन किया, फिर अगले दिन आपने रेस्ट किया, फिर उससे अगले दिन आपका लेग्स एंड शोल्डर्स होगा, फिर आपका रेस्ट होगा। ओके, यानी ये पूरा महीना हम एक दिन जिम जा रहे हैं, या जिम नहीं भी जा रहे हैं, घर पे भी अगर आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक दिन करें और एक दिन उसका जी रेस्ट। और अगर आपको लगे कि आप इन बिटवीन अगर एब्स और थोड़ा सा वॉक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब वर्कआउट की बात करते हैं, सेकंड टिप जाने बातें हैं। सेकंड टिप ये है कि आपने वर्कआउट जो है आपने कभी भी अफ्तार से पहले नहीं करना, तो सीख भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी कोलैप्स कर सकती है। आप फास्टिंग में है, कुछ लोग समझते हैं कि मैं अफ्तार से आधा घंटा पहले यार मैं जाके फटाफट ट्रेनिंग कर लेता हूँ, कार्डियो बेस्ड कुछ वर्कआउट कर लेता हूँ, तो उसके बाद आके फौरन से अफ्तार कर लूँगा तो आई विल फील गुड और सारा कुछ इस तरह से, लेकिन ये खतरनाक है, ऐसा नहीं करना। आपने अफ्तार के 40 मिनट या 1 घंटे के बाद आपने वर्कआउट के लिए जाना है, ठीक है। और ये होगी दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ बेस्ट ऑप्शन ये है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, वो है 10:30 बजे के बाद, रात 10:30 बजे के बाद। ओके, वैसे तो खासतौर पे बड़े शहरों में और जहाँ जरा गहमा गहमी ज्यादा होती है उन इलाकों के अंदर मैंने देखा है कि लोग सहरी तक जागते हैं, ऐसे ही है। सो ऐसे में बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, अभी क्रिकेट का फीवर भी आ रहा है, तो लोग आउटडोर खेल रहे होते हैं, सैर पे जा रहे होते हैं, मेहमानदारी होती है, मिलना मिलाना बड़े शहरों में अफ्तारी और सहरी के दरमियान होता है, ऐसा होता है। तो ऐसे में आपकी बात बिल्कुल बजा है कि रात 10, 11, 12 के दरमियान अगर आप जिम की रूटीन रखें तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिन में गर्मी भी है। हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसको आसान कर देता हूँ। देखें, आप घबराएं नहीं, क्योंकि रमजान में मोस्टली जो क्लब्स होते हैं, जिम वाले होते हैं, वो सहरी तक खुले रहते हैं। उनको पता है कि लोग अफ्तार के बाद ही यूजली आते हैं। और 10, 11, 12 के दरमियान से मुराद तोसी भाई का ये है कि आपका जो वर्कआउट है, जो मुझे अगले पॉइंट पे ले आता है, वो होना चाहिए 40 से 45 मिनट से ऊपर नहीं। ओके, यानी मैक्सिमम 40 मिनट तक आपने वर्कआउट करना है, और आपने उसमें सुपर सेटिंग्स नहीं करनी है, बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि आपके अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपने पूरे दिन में कंज्यूम नहीं किए होंगे, इसलिए आपने नॉर्मल वेट, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना आपने आपको। और आपका जो रेस्ट पीरियड होगा वर्कआउट के दौरान, वो लाजमी है कि आप 1 से 1.5 मिनट तक, ठीक है। डाइट के हवाले से क्या टिप्स है? डाइट के हवाले से मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा तो सिंह भाई आपने। जैसे आप अफ्तार करेंगे, सबसे पहले अफ्तार के वक्त आपके पास 1 से 1.5 लीटर पानी होना चाहिए, जिसमें लेमन हो, लेमन वाटर, और उसमें कुछ भी ऐड ना हो, चीनी वगैरह, कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ नहीं करनी जिससे आपको लगे मिठास और ये वो सारा कुछ, लेमन वाटर ओनली, दैट्स इट। उससे क्या होगा, आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। Okay. आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर बॉडी तक पहुंच पाएंगे। उसके साथ आपकी एक प्लेट होनी चाहिए वेजिटेबल्स की, रॉ वेजिटेबल्स, सलाद जिसको कह ले, प्याज, मटर, गाजर, खीरा और बंद गोभी, शिमला मिर्च वगैरह, ये 5-7 सब्जियों की एक प्लेट बना के, उसके साथ आपको अमाउंट ऑफ प्रोटीन लाजमी चाहिए। तो सीख भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2-3 उबले हुए अंडे या ऑमलेट या चिकन का कोई भी पीस हो गया। बोरिंग अफ्तारी नहीं, ये इंपॉर्टेंट, इतनी बोरिंग अफ्तारी, मैं आपको बिरयानी की तरफ भी लेके आ रहा हूं। अच्छा, चल, फिर आगे चल। क्योंकि जब देखें तो उसी कोई फास्टिंग के बाद आपको एक क्वालिटी फूड चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास पकोड़े पड़े हुए हों, साथ में समोसे और फास्फोरन से कचौरियां, अच्छा नहीं, कुछ नहीं, उससे आपका ये होगा कि ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, ब्लड जो ब्लड प्रेशर है वो भी खतरनाक हद तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपकी जो फ्राइड चीजें हैं वो अंदर जाके जो काम करेंगे आपके साथ, यू हैव नो आईडिया। सो हमने क्लीन अफ्तारी करनी, क्लीन अफ्तारी करनी है, वो जो सब्जियों वाली प्लेट, उसके साथ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, साथ में आपका लेमन वाटर जो है आपने कंज्यूम करना है। और उसके बाद जब आप जिम जाएंगे, जो पहली मैंने बात की थी कि अफ्तार के फौरन बाद अगर जो जिम जाना चाहते हैं 1 घंटा या 40 मिनट के बाद, वो साथ 1 लीटर पानी की बॉटल साथ लेके जाएंगे, सिप करते रहेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। अच्छा, जो लोग 10 या 10:30 बजे के बाद वर्कआउट करना चाहते हैं रात में, तो उनका अगला मील होगा, अफ्तार आपने किया, अफ्तार में आप जो मैंने आपको क्वालिटी फूड बताया उसके साथ आप बाकी चीजें थोड़ी सी यूज कर सकते हैं। खाना फौरन उस वक्त नहीं खाना, नहीं, उस वक्त आपकी बॉडी जिम के बाद आके खाना, जिम के बाद आके खाना है। लेकिन अफ्तार के वक्त मैंने जो बताया कि जो आपकी प्लेट है सलाद और प्रोटीन की, आप फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन आप एक अपनी अपनी जो प्लेट है उसमें आपने स्मार्ट ईटिंग करनी है। क्या रखना है, कोई एक फल, 1-2 किस्म के फल थोड़े से रख दिए साथ में, और आपका ये जो है अफ्तार का जो प्रॉपर हो जाएगा मील, सब्जी के सैलेड का बड़ा अच्छा बहुत किरदार। अच्छा जी, बिरयानी किस वक्त खानी है? बिरयानी खानी है, मैं बताता हूँ आपको। अब जो आपका ब्रेक है ना, थोड़ी देर का आपने ब्रेक लेना है, जैसे नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के आए, गपशप की फैमिली के साथ, किसी ने तरावी का रूटीन है तो तरावी का तो खैर 9:45 बज जाते हैं, उससे पहले आप अपना खाना खा के जा सकते हैं, वो बिरयानी की प्लेट हो सकती है,
उसके साथ दोबारा सलाद और चटनी रायता हो सकता है, ये आप खा सकते हैं। चटनी का जिक्र बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। चटनी के बगैर वो चटनी है जो अफतारी पे पकौड़े के साथ हमने नहीं खाई थी और वो आप खा सकते हैं और वो पड़ी हुई थी। हाँ जी, चूंकि अब जब तौसीक साहब मुझसे बात करते हैं, मैं क्लीन ईटिंग की तरफ जाता हूँ, तो फिर इनका कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो फिर जब मैं उस तरफ जाता हूँ, फिर कहता है यार तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, तुम क्लीन ईटिंग के बारे में बताते हैं नहीं हो। तो इस तरह की चीजें फिर मुझे झेलना पड़ती है। भाई झेलना आपको इसलिए पड़ती है कि ये तो हम तो आम आवाम है, हम तो चाहते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी की जाए जी। तो आम आवाम को खुश रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसमें आई थिंक हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं फटाफट बताऊंगा कि हमारे पास, आप जैसे कि मैं स्लीपिंग साइकिल की बात की, आपने 8 घंटे की नींद या कम अज कम 6 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करनी है दोस्तों। कैसे? रात में आपने कम अज कम 3 से 4-5 घंटे सोना है, उसके बाद अपने बीच में पावर नैप्स लेने हैं 2-3 दफा या 1 ही दफा, थ्रॉटल 3 से 4 घंटे की नींद होनी चाहिए। ज्यादातर लोग जो है क्योंकि दफ्तरी औकात भी बदल जाते हैं जी, तो असर की नमाज और मगरिब की नमाज के दरमियान एक पावर नैप लेते हैं अफ्तारी से। और ये उन लोगों के लिए जो लोग वर्जिश करेंगे, जो लोग इस प्लान को फॉलो करेंगे, ठीक है, उस लिहाज से आपने इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका जो हार्मोन लेवल है वो भी ड्रॉप होता है। तो आपके न्यूट्रिशन की आप बात करते हैं, तो आपके 2 मील्स नहीं है खाली, आपने 3 से 4 मील्स कंज्यूम करने हैं अफ्तारी की। मैंने अफ्तारी से सहरी तक 4 दफा आपने स्मॉल पोर्शंस खाने हैं, जैसे डबल रोटी होगी, डबल रोटी के अंदर मक्खन लगा के आपने अंदर केला डाल के खा लिया, दूध के साथ दूध का इस्तेमाल रखें, मक्खन का इस्तेमाल रखें, सब्जियों का इस्तेमाल रखें, दलिया खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्राई चीज़ों से बचना है, फ्राइड चीज़ों से बचें, दही का इस्तेमाल करें और फ्राई चीज़ों से बचना है। मतलब रमजान आया है और हम फ्राई चीज़ों से बच रहे हैं, नहीं तो रमजान नहीं खानी है आपने क्या? सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको रमजान का वेट करना पड़ता है। छोटे काशिफ, टुवर्ड्स द एंड आखिर में हमें ये बताइए कि ये जो आपने जो मैं रूटीन बताई, ये आप क्यों कहते हैं कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिम? मुझे तो लग रहा है ये हर एक को, ये डाइट प्लान या ये रूटीन या ये वर्जिश की रूटीन, ये हर एक को फॉलो करनी चाहिए। आप जिम ना भी जा रहे हो तो अपने आप को फिट और एनर्जेटिक रखने के लिए आई थिंक रमजान के महीने में अगर इस तरह की रूटीन अपनाई जाए तो बड़ी हेल्दी है। बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन मैंने एम्फसाइज इसलिए किया कि जो लोग वर्जिश करेंगे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, ओके, वरना वो ओवर ट्रेनिंग के जमरे में आ जाएगा कि आप लोगों ने रेस्ट इतना नहीं किया, आपकी बॉडी का हार्मोन लेवल ड्रॉप्ड है, न्यूट्रिशन मिल नहीं रही है, तो उल्टा साइकिल हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी बैकफायर करेगी। और ये याद रहे, अगर काशिफ ट्रेनर काशिफ ने बताया कि आपने 4 से 5 मील्स कंज्यूम करने हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि फौरन से आपने हर आधे घंटे बाद खाया और बॉडी स्पिल ओवर करेगी, वो फैट की फॉर्म में जाएगी, जितना मर्जी क्वालिटी फूड खा लीजिए आप। और तो सहरी में क्या फेनिया और दही पराठा और नहीं, साथ रात का सालन चिकन कौरमा पराठे के साथ? तो फिर अगले जो 14-16 घंटे वो फिर भुगतना पड़ेगा आपको। ओके ग्रेट, नहीं जी, क्लीन अफतारी से मुराद ये नहीं है कि क्लीन सहरी ना हो, सहरी भी क्लीन और न्यूट्रिशन हो जाए। कनक आशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी इनपुट्स थी। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो SMA हमारे साथ मौजूद हैं, और SMA हमें बताने लगे हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है जनाब, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, और मेरे साथ मौजूद है मेरे क्लास फेलो SMA। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है SMA? ठीक यार, ये अभी तो PSL का फीवर उतरा ही था जी, तो ये अब वर्ल्ड कप का फीवर चढ़ने लगा है जी, जैसा होता है। और बीच में अभी एक दो सीरीज भी आ जा रही है, अब बिल्कुल हर 4 साल बाद होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ा फीवर है क्रिकेट में वो वर्ल्ड कप होगा, जो उसका मजा है ना वो किसी और में नहीं जी। अच्छा जी, क्या सीन है जरा बताओ जी। आज सब लोगों को पता होगा कि क्रिकेट फीवर अभी होना शुरू हो गया है काफी लोगों को। एग्जैक्टली, और रमजान में क्योंकि हमारा शो नहीं होगा, इसलिए हमने सोचा कि वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम आपको पहले ही बता दें, क्योंकि जब अब हमारी आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, तो उस वक्त वर्ल्ड कप शुरू हो चुका होगा जी, इसलिए मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल जी, पहली स्लाइड पे चलते हैं। पहली स्लाइड है हमारी टीम्स। ये हो गया जी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 टीम्स, बताएं जी। जी, टीम्स पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। अच्छा, ये कैसे सिलेक्ट हुई टीमें?
2015 में तो पहली बार 14 टीम्स थी, इस साल सिर्फ 10 टीम्स, 10। ओके। जो आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप 8 टीम्स थी वो डायरेक्टली चली जाती हैं। अच्छा। मगर एक फिर उसके बाद जो दो टीमें को जो स्पॉट्स थे 10 टीम्स और 8 टीम्स के दो स्पॉट्स थे उनको उनके ही टूर्नामेंट होते हैं क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। ठीक है। उस टूर्नामेंट में उस टूर्नामेंट में जीती है वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान, तो वो जीत कर उन्होंने अपनी जगह ले ली वर्ल्ड कप के। अच्छा, यानी टीम्स वाली जरा दिखाएं जी स्लाइड दोबारा से स्लाइड। हाँ जी, सेकंड लास्ट, यानी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान जो है ये दो क्वालिफाइंग राउंड से निकल के आई हैं, क्वालिफाइंग राउंड से जीत कर आई हैं, जीत कर आई हैं। और पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। और एक और भी बात है कि जो रैंकिंग आई है जी, पाकिस्तान जो है टीम है ना बहुत अच्छी टीम है। वो अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने खेला था सीरीज उसमें पाकिस्तान ने अब पूरे फॉर्म में नहीं थी, तो दे के लास्ट नेट तो उनका बहुत बड़ा चांस था दैट दे इवन हैड टू प्ले द क्वालिफाइंग राउंड्स। ओके, तो हम बाल बाल बचे हैं जी। बिल्कुल। ऑलराइट ऑलराइट, अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। हिस्ट्री जी, हिस्ट्री। अच्छा जी, अब बताओ। 1997 में वेस्ट इंडीज जीत गए थे, रनर्स अप ऑस्ट्रेलिया एंड होस्ट नेशन वाज इंग्लैंड। ठीक है, फिर 1979 में फिर वेस्ट इंडीज जीता। जी ही, बिल्कुल। और रनर्स अप actually all the same in 1979 mein. Phir 1983 mein India jeeta. India jeeta, West Indies were second runners up and host nation was England again. Yani pehle teenon England ne host kiye the. Ji. Uske baad 1987 mein Australia won. Runners up were England and host nation was our own home country India and Pakistan. जी, jointly India और Pakistan ने ये World Cup host किया था 1987. फिर 1992 में जिसमें इमरान खान ने कुछ जाया, पाकिस्तान जीत गया, runners up were England again and और ये Australia और New Zealand में खेला गया. और शिया 1996 winners were Sri Lanka, runners up Australia. Yeah, runners up Australia and host nation was Pakistan and India again. 1999 में Australia won, Pakistan was runners up and host nation was England. बड़ा दुख है इस मैच का, आज भी जख्म नहीं भरा. अच्छा जी, उसके बाद है 2003 में Australia won again. And runners up were India. और ये साउथ अफ्रीका में होस्ट नेशन वाज साउथ अफ्रीका. जी बिल्कुल। उसके बाद 2007 में जीता ऑस्ट्रेलिया थे फिर से, रनर्स अप वर श्रीलंका एंड होस्ट नेशन वाज वेस्ट इंडीज. और एंड 2011 में इंडिया वन, श्रीलंका वर द रनर्स अप और होस्ट नेशन थे इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया वन, रनर्स अप न्यूजीलैंड एंड होस्ट नेशन वाज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यानी इस वक्त जो कप है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है जी। और जो अब आ रहा है 2019 में द होस्ट नेशन विल बी इंग्लैंड एंड वेल्स। अब देखते हैं कि इन 10 में से कौन वर्ल्ड कप उठाता है। अगली स्लाइड पे चलें जी। बिल्कुल। पहला मैच कब है जी? पहला मैच शुरू होगा 30 मई को। ठीक है। और खत्म होना है फाइनल जब होना है दैट इज 14 जुलाई। ओके, ये पूरा स्केड्यूल आ चुका है ऑनलाइन, बच्चों पढ़ा हुआ है आप में से वो हमारे साथ ही जो क्रिकेट इंटरेस्टेड हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारी स्क्रीन से। जैसे लास्ट ईयर फुटबॉल वर्ल्ड कप में होते पूल्स, इस दफा पूल्स नहीं है, हर टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है। अरे वाह, ये वैसे जरा मुझे ज्यादा मजे का लगता है। हाँ, ना? हर टीम एक दूसरे के साथ खेलती है, जैसे हमारे PSL के अंदर होता है ना, सब एक दूसरे से खेलते हैं, उसमें जरा मोमेंटम बड़ा बना रहता है। एग्जैक्टली। अगली स्लाइड बड़ी मजेदार है, जैसे मैंने तैयार किया है उसको जरा देखते हैं। हाँ जी, ये है पाकिस्तान के मैचेस, इसका जल्दी से आप लोग उठें हमारे व्यूअर्स, और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, या लिख भी सकते हैं आप लोग। लिखना तो इतनी जल्दी शायद मुमकिन ना हो, आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है जिगर, किधर तू बैठा हुआ है। ओल्ड स्कूल। हाँ, ओल्ड स्कूल, इस समय तो बड़ा ओल्ड स्कूल है ना। जी। अच्छा जी, ये है जी पाकिस्तान के मैचेस 31 मई को वेस्ट इंडीज के साथ है,
और खैर तफसील में हम नहीं पढ़ के सुनाते। सो ये सारे मैचेस हैं आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कब कब मैचेस हैं और टाइम का भी वैसे मुझे अंदाजा नहीं टाइम क्या हुआ करेगा। हाँ वैसे उसके ऊपर नीचे लिखा भी होगा जैसे मेरे साइड में लिखा हुआ है नोट ऑल मैचेस स्टार्ट एट 14:30 पाकिस्तान टाइम। 14:30 का मतलब है दोपहर ढाई बजे। दोपहर ढाई बजे मैच शुरू हुआ करेगा। तो कुछ पाकिस्तान के मेरे ख्याल है दो मैचेस आ रहे हैं जो रमजान मुबारक के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो दो अफ्तारियां जो है ना वो हमारी होनी है बड़े सनसनी होनी है टीवी लाउंज में। बिल्कुल सही। अच्छा जी अगली क्या है स्लाइड हमारी। क्रंच मैचेस क्या होता है? क्रंच मैचेस वो मैच होते हैं दैट आर द मोस्ट वॉच्ड हां और दैट आर द मोर दैट पीपल आर द मोस्ट इंटरेस्टेड इन। अच्छा जी इंटरेस्टिंग कि श्रीलंका अफगानिस्तान के मैच में इंटरेस्ट लेवल ज्यादा होगा। अफगानिस्तान इज अ न्यू कमर टीम जो उनके सबसे पहले जो वनडे खेला था दैट वाज इन 2009 और उनका सिर्फ दूसरा वर्ल्ड कप इनका। यानी आपके ख्याल में अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा होगा इस दफा वर्ल्ड कप। बहुत अच्छी टीम है अफगान दे हैव द बेस्ट स्पिनर्स। अच्छा ग्रेट ग्रेट जी श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान एंड माय सेल्फ दैट आई थिंक दैट अफगानिस्तान कैन बीट श्रीलंका। अच्छा अफगानिस्तान कैन बीट श्रीलंका। यस इफ दे कैन बीट श्रीलंका दे कैन बीट एनी कंट्री बिकॉज़ श्रीलंका आल्सो इज अ वेरी गुड टीम। बिल्कुल जी। अच्छा उसके बाद इसके बाद क्या है जी? मदर ऑफ ऑल। आहा नहीं हमारे क्रंच मैचेस के हमारे पास थोड़ी सी और चीजें थी। द विनिंग स्क्वाड हमारे पास जो क्रंच मैचेस के ऊपर थोड़ी सी और चीजें थी। अच्छा क्रंच मैचेस पे वापस जाएं जी आप बताएं जी। जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दैट इज द मदर ऑफ ऑल मैचेस। मदर ऑफ ऑल मैचेस दोनों बहुत अच्छी टीम है कोई भी जीत सकता है। अफगानिस्तान बांग्लादेश जी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे तो राइवल्स नहीं है इन रियल लाइफ मगर बिकॉज़ ऑफ द एशेज सीरीज दे आर राइवल्स इन क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर ना वो उनका बड़ा सीन ऑन हो जाता है ना और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रांग टीम एंड अफगानिस्तान आल्सो इज अ वेरी स्ट्रांग टीम दे विल सरप्राइज यू ऑल। सो ये क्रंच मैचेस की जो स्लाइड आपने देखी ये वो मैचेस हैं जो एसएमए जिसको बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे और उनके ख्याल में ये मैचेस बड़े जी। और जो पाकिस्तान इंडिया का जो टिकट से दे लेफ्ट इन आवर्स के खत्म होगा स्टेडियम पैक्ड। अच्छा पाकिस्तान इंडिया के मैच के पूरा सेल आउट हो चुका है अभी से ही आवर्स जिस दिन हुआ था उसी दिन जिस दिन ऑन हुए ऑनलाइन टिकट्स उसी दिन बिक गए जी आवर्स में थे घंटों में बिक गए। अच्छा जी अब अगली स्लाइड पे चलते हैं जो कि है पाकिस्तान का स्क्वाड। पाकिस्तान का स्क्वाड हमारा कैप्टन यस बॉयज गो 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 ब्रिंग अस द कप जी हमारा कैप्टन सरफराज अहमद आबिद अली बाबर आजम फहीम अशरफ फखर जमान हारिस सुहेल हसन अली इमाद वसीम इमामुल हक जुनेद खान मोहम्मद हफीज मोहम्मद हुसैन शदाब खान शाहीन शाफीदी एंड लास्ट रॉय शुएब मलिक। हाँ भाई देखो ऑन पेपर तो मैं आपस की बात है इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी और मुझे ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम अच्छी लगती है जी बिल्कुल लेकिन ऑन पेपर मैं बताऊँ हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ये मैं साफ बात कर रहा हूं विदाउट एनी बायस। ये जो आशीषी का हुआ था उसमें द बेस्ट बॉलर द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट वाज हसन अली। एग्जैक्टली नहीं और उसके बाद जो टीम की हार्मनी है ना जी खासतौर पे अभी हाल ही में पीएसएल के अंदर इन सब लोगों को हमने जितना अच्छा परफॉर्म करते देखा माशाल्लाह से। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू पाकिस्तानी स्क्वाड। अगली स्लाइड भी बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है जी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसका नाम है जी बताइए नंबर 1 पे क्या है। Fifth World Cup is being hosted in England. ठीक है। England has become runners-up twice, मगर अभी तक वो नहीं जीते। ओह हो, यानी 1970s से लेके आज तक। India 5 दफा host कर चुका है, मगर it has become runners-up twice, but hasn't won yet. एक दफा भी, मतलब hosting तो चलो side पे होगी बात, मतलब आज तक England ने World Cup नहीं जीता। उनकी team वैसे काफी strong है। हाँ, team तो strong है, लेकिन अब देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या होता है। दूसरा फैक्ट क्या है जी इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान प्लेड फर्स्ट वनडे ऑन 19 एंड इज अपीयरिंग ट्वाइस अपीयरिंग सेकंड टाइम इन द वर्ल्ड कप। सेकंड टाइम वर्ल्ड कप में जीत गए। 2019 में इन्होंने सबसे पहला अपना वनडे खेला था और अब इनका जो था 15 में इन्होंने अपना खेला है और अब आके फिर से खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगला क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी? अब ये पाकिस्तानियों के लिए फैक्ट है। रमजान फैक्टर विद पाकिस्तानीज। हाँ रमजान फैक्टर हमारी कोई क्रिकेट व्यूइंग की और रोजे की और अफ्तारी की रूटीन भी जरा साथ साथ चलेगी। 1992 में जब पाकिस्तान जीता वर्ल्ड कप रमजान वाज इन मिडल। ओह रमजान आया था आईसीसी
जब हो चल रहा था रमजान। ओके, और पाकिस्तान जीता। और पाकिस्तान बिल्कुल जीता। अब इस दफा सिर्फ दो दफा मैचेस होंगे पाकिस्तान के रमजान में, वो तो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और पता नहीं सब तुम्हारी अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट जो है ना, मैं बहुत उससे इंप्रेस हूं। बस दुआ कर रमजान फैक्टर जो तूने इन किया ना, बड़ा फिट जा रहा है। दुआएं कर सकते हैं कि पाकिस्तान जीते। बिल्कुल जी, रमजान और शाबान और जो भी महीना हो, हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। जी बिल्कुल। और हमेशा होती हैं। और खैर ये खेल है, मैं तो कहूंगा हर मुल्क की दुआएं अपनी टीम के साथ। साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं वो भी अपनी टीम के लिए दुआ करते हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो भी अपनी टीम के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से अफगानिस्तान, इंग्लैंड। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, लॉर्ड्स विल बी होस्टिंग द फाइनल फॉर द फिफ्थ टाइम। मतलब कि इंग्लैंड में ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जी पांच दफा ये इन्होंने, अब इनका फिफ्थ टाइम होगा कि ये होस्ट कर रहे हैं फाइनल। एग्जैक्टली। और आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वन टेस्ट, टू टेस्ट प्लेइंग नेशंस आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे विल बी मिसिंग द वर्ल्ड कप। आयरलैंड और जिम्बाब्वे इस दफा वर्ल्ड कप मिस करेंगे क्योंकि वो क्वालिफाइंग ग्राउंड में हार गए थे वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान से। जबरदस्त। और जिम्बाब्वे की टीम मुझे बहुत पसंद, बहुत स्ट्रांग भी है, स्ट्रांग भी है, बहुत अच्छी टीम है। और मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के बगैर। जी एनीवे, एसएमए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ओवरव्यू था ऑन द वर्ल्ड कप। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं रही मेरे साथ। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के आइकॉन्स, खासतौर पे डिजाइनर्स, तो एक लुत्फ की बात यह है कि एक आम तासुर यह आता है कि ये आइकॉन्स हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। नहीं, इस वक्त बैनुल अक्वामी सतह पे भी बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान के डिजाइनर्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक खास मकाम हासिल है, उनको फॉलो किया जाता है, उनकी मिसाल दी जाती है, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है उन पायनियर फैशन डिजाइनर्स की कि जिन्होंने नए आने वालों के लिए वो राह हमवार की और सही मानों में कठिन रास्तों से गुजरते हुए मकाम पाया, नाम बनाया, ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान की पूरी ग्लैमर फैशन मॉडलिंग डिजाइनर्स इंडस्ट्री का, फोटोग्राफी इंडस्ट्री का, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि इस इंडस्ट्री का एक आइकॉनिक पर्सनालिटी अमीर अदनान आज हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम प्रीटी गुड, प्रीटी गुड। ये बताएं कि ये पायनियर का लफ्ज़ सुन के एक अजीब सा सीनियोरिटी फैक्टर सा जब साथ लग जाता है तो कैसी फीलिंग आती है? अच्छा लगता है। यू फील एक्रेडिटेड कि आपने कुछ मुल्क के लिए या अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसको आप रिफ्लेक्ट करके खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान से अगर आप पूछें कि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ या क्या किया, तो वो अपनी हिस्ट्री बताने के बजाय आपको आगे की बातें बता सकता है और ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी हिस्ट्री में जितनी अरसा उसने काम किया है ज़िंदगी में, या जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं, उससे जो उसने लेसन्स हासिल किए हैं, उसकी रोशनी में वो अगली ज़िंदगी या जो आने वाला वक्त है उसके बारे में कुछ बता सकता है या कुछ कह सकता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और मैंने देखा कि इस काम में आप इतने कंजूस वाके नहीं हुए, आप बड़ी खुशी से खासतौर पे यंग डिजाइनर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे होते हैं। हमारे मीडिया की इंडस्ट्री तो बड़ी इनसिक्योर है अमीर, ये लोग है ना, पहले बताएं, डू यू एग्री? आई काइंड ऑफ एग्री, एंड आल्सो आई आल्सो फील कि मीडिया में थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, स्पेशली फैशन में, कि जो लोग इसमें दाखिल, जिस तरह जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर्स या वो जो कॉन्सेप्ट है, कोई फैशन स्कूल्स नहीं थे, पढ़ नहीं सकता था इंसान। मैं एक एमबीए मैंने किया हुआ था, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट बाय प्रोफेशन। जब मैंने ये टाई बनानी शुरू किया, मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया, तो उस वक्त मैं चाहता था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ूँ, बट कोई अपॉर्चुनिटी एज सच नहीं थी, ठीक है। मगर इतने, ये 28 साल पुरानी बात है, 28 सालों में आई एम ग्लैड कि यहाँ पे स्कूल्स खुल गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए। अब जो फैशन डिज़ाइनर्स नए जनरेशन के आ रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड, क्वालिफाइड और विद अ लॉट ऑफ नॉलेज आ रहे हैं। सिमिलरली
हमारी जो मीडिया है उसमें आई विश देवर इंस्टीट्यूशंस देवर स्कूल्स हु वुड टीच जर्नलिज्म एंड स्पेसिफिक जर्नलिज्म, क्योंकि अगर आप फैशन जर्नलिज्म कर रहे हैं तो फैशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी तालीम होना ज़रूरी है। हर इंसान ब्लॉगर बन जाता है, विच इज़ एक्सेलेंट, इट इज़ मीडिया बूम एंड आई एम कम्प्लीटली इनकरेजिंग इट, बहुत अच्छी बात है, मगर थोड़ी सी साथ में अवेयरनेस, थोड़ी सी तालीम, थोड़ी सी नॉलेज भी अगर इंट्रोड्यूस हम कर दें, बट ये इंडिविजुअल्स के ऊपर ओनस नहीं है, ये इदारों के ऊपर है कि हम एज अ नेशन, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बूम कर रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन या इदारे खुल जाएं जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, क्योंकि अब फैशन और ये क्लोथिंग इंडस्ट्री एक पूरी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज भी हम प्रोवाइड कर दें दैट वुड बी वेरी नाइस। क्या आप नहीं समझते कि ना सीख के डिज़ाइन जिस समीर अदनान ने काम करना शुरू किया 28 साल पहले, ना सीख के उसके अंदर अपनी एक इम्पल्सिव क्रिएटिविटी का वो जाती नहीं है कहीं। देखिए अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप जब भी गाएंगे लोगों के कानों में प्लीजिंग साउंड करेगी, ठीक है, मगर अगर आप अच्छी आवाज़ के साथ ट्रेनिंग भी ले लें तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। ओके ठीक है, तो टैलेंट तो इनेट टैलेंट है, वो कहीं जा नहीं सकता आपके अंदर से, वो कोई छीन नहीं सकता। मुसव्विर जो होते हैं वो कुछ भी उनके हाथ में पकड़ा दें वो बेहतरीन तस्वीर बना लेते हैं, मगर अगर साथ साथ उनको ट्रेनिंग स्किल्स भी मिल जाए तो वो और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं अपने स्किल्स को। सो दैट इज़ व्हाई आई फील, अब जो सॉरी दैट इज़ व्हाई यू फील, दैट इज़ व्हाई आई फील कि अगर एजुकेशन भी हम साथ में प्रोवाइड कर दें टू आर फैशन डिज़ाइनर्स, क्योंकि हमारे टाइम के जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स थे वो खुद रॉ ग्रो किए, उन्होंने खुद सीखा, विच इज़ वेरी गुड, बट अगर आज मैं अमीर अदनान दोबारा बनना चाहूँ तो शायद मैं ना बन पाऊँ। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खासतौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा वार्डरोब एक तरह की है, इंडिया पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा आपको भी और आपके बहुत से कंटेम्प्रेरीज को फॉलो किया जाता है। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का क्या सीन है, कहाँ पे खड़े हैं? देखिए पाकिस्तान एज जो डिज़ाइनर्स अगर ग्रो करते हैं वो ऑन देयर ओन नहीं ग्रो कर सकते, वो कंट्री की जो प्रोफाइल है या जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ ग्रो करते हैं। इटालियन डिज़ाइनर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि वो इटालियन डिज़ाइनर है आप बोलेंगे वाह वाह ये तो इटालियन डिज़ाइनर है, फ्रेंच हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, स्पेन उसके बाद का नंबर आता है, मगर कोई बोले कि मैं पाकिस्तान का डिज़ाइनर हूँ तो पहले पाकिस्तान की प्रोफाइल आपके जहन में आती है, उसके बाद आता है कि ठीक है जी ये पाकिस्तान की कंट्री ऐसी है तो यहाँ से इस किस्म का आदमी निकल सकता है। यानी हेड स्टार्ट ही आपको माइनस में मिल रहा हूँ? अब नॉट नेसेसरीली, अब डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव का। ओके, बट अगर मैं बोलूँ कि डिज़ाइनर्स ने पाकिस्तान को बहुत आगे ले आए ऐसा नहीं है, पाकिस्तान लाइमलाइट में जब आता है तो पाकिस्तान की हर चीज लाइमलाइट में आती है, जाहिर है। यस डिजाइनर्स डू प्ले अ रोल, हम जाके कोई भी इंडिविजुअली कोई काम कर लें या कुछ कर लें तो विच इज़ वेरी गुड, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इट्स आर कंट्री बेसिकली दैट इज गिविंग अस दैट नेम, हम कंट्री के लिए काम जरूर कर रहे हैं बट जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कंट्री का है। ठीक है तो अब इस वक्त तो योर क्वेश्चन रिमेंस कि पाकिस्तानी डिजाइनर्स का क्या स्टेटस है, इट इज ग्रोइंग इन प्रोफाइल, बट ऑनेस्टली अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि मैंने इटली में एक ट्रेड फेयर अटेंड किया, ठीक है, वहाँ जाके हमने लोगों से बात की और हम एज डिजाइनर बायर्स गए, हम मैन्युफैक्चरर्स की ट्रेड फेयर थी, अच्छा, एंड आई वेंट देयर एज अ डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान जो खरीदने गया था उनके कपड़े, ठीक है, कई लोगों ने मुझे बेचने से मना कर दिया इररिस्पेक्टिव कि मैं कौन हूँ, उन्होंने कहा कि क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका उस पूरे बेल्ट में कपड़े नहीं बेचना चाहते क्योंकि आप लोग हमारे कपड़े कॉपी करके काउंटरफीट करेंगे, सो दे जस्ट फ्लैटली रिफ्यूज्ड। फिर मैंने उनको अपनी वेबसाइट दिखाई, अपनी पूरी हिस्ट्री दिखाई, सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने मुझे टाइम तो दे दिया आधा घंटा, बट दे रिफ्यूज टू डू बिजनेस विद मी। तो मैं कहाँ का डिज़ाइनर रहा, पाकिस्तान का। तो जब तक हम सब मिलकर पाकिस्तान की प्रोफाइल नहीं इम्प्रूव करेंगे वी विल नॉट गेट एनी फार। हम अगर सोचे कि हम एक आइलैंड में हैं और यहाँ पे 6 लोग मुझे पहचानते हैं, बट अब अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर एंटर करते हैं फिर आप कंट्री से पहचाने जाते हैं। उस बबल से निकलना, बहुत जरूरी है, हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि हम अगर यहाँ के डिजाइनर्स अगर इंटरनेशनल जाके शोज करते हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, वो पाकिस्तानियों के एक छोटे से बबल के बीच में बैठ के 4 लोगों के सामने अपने कपड़े दिखा के उनसे तालियां वसूल जरूर कर लेते हैं, उनके डिज़ाइन को अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, मगर वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंटरनेशनल लेवल में 50 कंट्री के लोग खड़े हो के आपको कह रहे हैं कि वाह आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, इट्स नॉट लाइक दैट इज येट, अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे। अच्छा, इस चीज़ को कॉपी करके मार्केट में बेचना, अमीर अदनान का डिज़ाइन कॉपी, और बड़े फ़ख्र से, मैंने तो कई दफ़ा ये सुना कि उसमें फ़ख्र का एलिमेंट भी आ जाता है, जिस तरह उर्दू अच्छी ना बोलने पे इस कॉम को अक्सर हम देखते हैं कि पॉकेट्स में फ़ख्र महसूस हो रहा होता है,
और फख्र से कहते हैं मुझे उर्दू असल में मेरी जरा बिल्कुल उसी तरह के ये अमीर अदनान का कॉपी है ना, बड़े फख्र से। किसी ने मुझसे पूछा था बहुत साल पहले जब मैंने डिजाइनिंग शुरू की थी कि अमीर अदनान आप ये बताएं कि आप कब अपने आप को समझेंगे कि आप एक सक्सेसफुल डिजाइनर हो गए। तो मैंने कहा था जब मेरी कॉपी की कॉपी की कॉपी की कॉपी सड़कों पे बिक रही होगी आई विल कंसिडर माई सेल्फ प्राउड एंड आई वुड से कि मैंने ऐसी कोई चीज तख्लीक की जो कि कॉपी होने के लायक है। तो फिर तो आप बहुत मैं अच्छा तो पहले बहुत कामयाब हो चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने कोई चीज ऐसी बनाई जिसकी जिसकी इंस्पिरेशन लोगों तक पहुंच सकती है। ये भी एक एजुकेशन का जरिया है, ये दिस इज वे ऑफ इनलाइटनिंग पीपल एंड फाइन आपकी आपकी आर्ट या जो भी आप बना रहे हैं वो आके जा रहे हैं। बट देयर इज अ बट इन इट। हां, और बट ये है कि फिर कॉपीराइट्स कहां गए? दैट्स ट्रू, बट यू सी वो आ जाएंगे इन प्ले। बट अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्पेशली फैशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, हम हमारी जो बिगेस्ट प्रोड्यूस है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल्स में जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन है वो डिजाइनर क्लोथिंग है। ठीक है, तो अगर फैशन इंडस्ट्री आ रही है आगे तो एक्चुअली हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका एक्चुअल अगर आप इम्पैक्ट देखें तो पहले हम कपास बेचते थे, उसके बाद हम सूत बेचते थे, उसके बाद हम कपड़ा बेचते थे, उसके बाद हम मेड अप्स बेचते थे यानी कि पिलो कवर्स या चार किनारियां सीधी नैपकिन बेडशीट्स। उसके बाद हमने अब इतने सालों में रेडीमेड का एक कॉन्सेप्ट आया है, अब प्रेट स्टोर्स खुले हैं यानी कि सिले सिलाए कपड़े आप जाके दुकान से खरीद सकते हैं। ये एक उसकी अगली स्टेज है। अब बेसिक फैब्रिक बेचने के बजाय वो डिज़ाइनर फैब्रिक है क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन है, उसमें डिज़ाइन बेहतर है, क्वालिटी बेहतर है, और वो सिले सिलाए कपड़े बन के जब बाज़ार में आता है उसकी वैल्यू एडिशन और बढ़ जाती है। पहले ये सारी चीज़ें टैक्स मिनिमल जनरेट करती थी हमारे लिए, जिस तरह वैल्यू एडिशन होती जाती है चीज़ों में तो उसका टैक्स इनपुट भी बढ़ता जाता है, गवर्नमेंट के लिए निहायत ही मुफीद है। अब अगर डिजाइनर क्लोथिंग बाहर आते हैं तो वो हाईएस्ट वैल्यू एडिशन पे लेके जाते हैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रोड्यूस को। तो जिस तरह अगर हम दूध प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसेस वाइट मिल्क, बट हमारे आधे से ज्यादा दूध जो है वो क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से, कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से जाया हो जाता है। अब अगर हम दूध के बजाय प्रोसेस चीज बेचना शुरू कर दें तो हाईएस्ट वैल्यू एडिशन पे हम चले जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अमीर अदनान हमारे साथ मौजूद है, गपशप का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं, रही मेरे साथ। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज अमीर अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अमीर, एक सवाल जो पता नहीं आपसे कभी पूछा गया या नहीं, लेकिन मैंने लोगों को आपका नाम मिस प्रोनाउंस करते देखा है टीवी के ऊपर भी, शोज में। तो एक सवाल ये बनता है कि भाई अगर AMIR है तो इसको आमिर क्यों नहीं कहते, और अगर अमीर है तो फिर AMRR क्यों नहीं लिखते? आज ये जरा मसला हल करें, क्यों लोगों को मुसीबत में डाला हुआ? देखिए जी, नाम की स्पेलिंग्स जो है ना वो दुनिया भर में डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, जो जिसको समझ में आता है उस तरह से। अगर हम वेस्टर्न नाम पढ़ने की कोशिश करें तो हम अजीब अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जब ये फैशन डिज़ाइनर्स चाइना गए थे तो उनके दुकान पे लोग शर्माते थे आते हुए, चाइनीज़, ये टीवी पे मैंने सुना है इंटरव्यू पे, वो कहते थे कि हमें शर्म आती क्योंकि हमें नाम प्रोनाउंस नहीं करना आता, तो हम जाके क्या बोलें, हमारा मजाक उड़ जाएगा, तो वो शर्माते थे। इंटरेस्टिंग। दिस इज नॉट सिर्फ हमारा मसला नहीं है, दुनिया भर में। अब गुची को आप गुची कहेंगे, अब सी सी को चीख क्यों बोलते हैं, सी क्यों नहीं बोलते, गुकी क्यों नहीं बोलते, कोई लोग बोलते होंगे, फेमिलियर नहीं है। तो अमीर और आमिर का जो है ना, इट्स AMIR, ये AMIR को आमिर बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में बोला जाता है। जब मैं ट्रैवल करके मिडल ईस्ट में जाता हूँ आज तक किसी ने मुझे आमिर नहीं बोला, सब मुझे अमीर कहते हैं। When I go north, like Afghanistan and onwards, वहाँ पे भी मुझे अमीर कहा जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में AMIR आमिर समझा जाता है। वैसे आमिर तो डबल ए से हो तो ज़्यादा डबल ए ज़्यादा हो, है ना? क्योंकि आ जो है लंबा लॉन्ग करने के लिए उसको, but it's a name, basically it's अमीर अदनान, so और मैंने देखा कि आप कोई आप आमिर अदनान भी कहते हैं तो आप बड़े खुश से उसको गुलाब को आप किसी नाम से बोलेंगे तो गुलाब ही ना हो, चेंज तो नहीं हो जाएगा, not that time at all. नहीं, आई एम हैप्पी कि ये मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा। देखिए, मैं जब सुबह उठ के आईना देखता हूँ ना तो मैं कभी हकीकत नहीं देखता, ये नहीं कि मैं हकीकत नहीं जानता हूँ, मगर मैं वो देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। Exactly.
आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरता है उसके बाद। मेरे ख्याल से एज अ डिजाइनर भी ये यू नीड टू सी व्हाट यू वांट टू सी, और अगर आप वो देखें आईने में जो आप देखना चाहते हैं तो उसको हासिल करने की फिर आप कोशिश करते हैं, फिर वैसा बनना चाहते हैं। ये सिर्फ अपने आप की बात नहीं है, जिंदगी का रवैया है कि अगर आप हकीकत, तो हकीकत है ना, हकीकत को चेंज कैसे किया जाए, आपकी इमेजिनेशन में, आपके दिमाग में आप चेंज करते हैं, फिर उसको आप बदलते हैं उस तरह से। इस वक्त बहुत से यंग लड़के लड़कियां हमारा शो देख रहे हैं और पीटीवी होम की ज्यादातर जो हमारे व्यूअरशिप बेस है वो पाकिस्तान के छोटे गांव देहात और छोटे टाउन्स। ये बताइए उन्हें कि वो फैशन कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है, क्या करें, ऑनलाइन जाएं, कैसे समझें कि आजकल ऑरेंज इन है या सिल्वर इन है या पर्पल इन है। दे वांट टू लुक गुड, बेसिक टिप्स क्या कर सकते हैं खासतौर पे छोटे शहरों में रहने वाले हमारे दोस्त। ओके, देखिए आजकल मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ कि 2005 में मैं और मेरी बीवी हम इटली गए थे, ठीक है। जब हम इटली में उतरे तो हमने सबसे पहले ये देखा कि सारे लोग जो थे उन्होंने वाइट और पिंक पहना हुआ था और जूतों के बजाय चप्पल पहनी हुई थी, चमड़े के बैग के बजाय कपड़े के बैग्स लिए हुए थे क्योंकि वो उस सीजन का कलर था, वाइट और पिंक। वाइट और पिंक, मर्दों ने भी वाइट और पिंक पहना हुआ था, औरतों ने भी वाइट और पिंक पहना हुआ था। स्कर्ट्स फैशन में थी, पैंट्स नहीं थे औरतों के लिए। मर्द हजरात पिंक टी शर्ट, वाइट पैंट्स और चप्पल नीचे और फैब्रिक के बैग्स, ये उनका इन कलर था उस जमाने में, ठीक है। ये लेटेस्ट ट्रेंड था। उसके बाद जब हम पाकिस्तान आए तो हमने ये देखा कि कोई एक कलर थीम या कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो फैशन ट्रेंड्स जो है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बता देते हैं कि आपकी जो कंट्री है या आपकी जो एनवायरनमेंट है वो कहाँ है, इज इट पैरेलल टू द ग्लोबल ट्रेंड्स या आप 15 साल पहले हैं। अगर आपने वो फैशन अपनाया हुआ है जो आज से 4 साल पहले फैशन में था तो इमीडिएटली एक अवेयर इंसान आपको बोलेगा कि ये इन टाइम 4 साल पीछे है हमसे। Understand what I'm saying? क्योंकि अभी स्प्रिंग में जो हम अब ट्रेंड लेकर आ रहे हैं एट अमीर अदनान, वो है सेल्फ ऑन सेल्फ ऑन सेल्फ लेयरिंग। अगर आपने ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है तो ऑफ वाइट ही कलर का उस पर आप वेस्ट कोट पहनेंगे और ऊपर अगर आपने स्टोल लेनी तो वो भी ऑफ वाइट के शेड में होगा। अच्छा, ठीक है, आपके जूते भी उसी कलर में होंगे। अगर आपने ब्लू पहना हुआ है तो सर से पैर तक शेड्स ऑफ ब्लू आप पहनेंगे, कॉन्ट्रास्ट से दूर रहेंगे। इंटरेस्टिंग, सेम कलर्स ऑल द वे। अगर शेरवानियों में हम कहते हैं कि जी गोल्डन शेरवानी है तो टर्बन भी गोल्डन है, उसके साथ चादर भी गोल्डन है, जूते भी गोल्डन है। अच्छा, ये ऑफ वाइट है तो सब डिसाइड कौन करता है? ये अभी अभी तो खैर आप अमीर अदनान के प्लेटफॉर्म के हवाले से बट इंटरनेशनली ये फोरम्स हैं। फोरम्स हैं, एक दिस इज कंपनी कॉल्ड प्रीमियर विजन, ये आपको अगले 3 साल के बाद जो चीजें आने वाली हैं उसकी प्रेडिक्शन दे देते हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री है, ये साइंस है। 3 साल आगे जो चीजें होने वाली हैं उसकी एक अलग एग्जीबिशंस होती हैं जो बताती हैं कि 2023 में Seriously? ये कलर्स, ये कट्स, ये फैब्रिक, ये टेक्सचर्स, ये अवेलेबल होंगे। वो फेयर कौन अटेंड करता है? जो लोग फैब्रिक बनाते हैं, जो लोग डाइज बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको 3 साल का टाइम चाहिए चीजें बनाने में। Exactly, जो फैब्रिक 2022 में इस्तेमाल होना है, जो मैंने पहना है, उसका तो कंटेंट अब बनेगा ना, अब बनेगा तो कहीं दो जी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2000 हम लास्ट कब गए थे, 3 साल पहले मुझे पता था 2019 में समर में बड़े पैंचों की पैंट्स आ जाएंगी, वेस्ट ऊपर चली जाएगी, बिकॉज प्रीमियर विजन में ये प्रेडिक्शंस 2 साल पहले आई नहीं थी, ये 2019 की प्रेडिक्शंस थी। अच्छा, अब शुरू हो रहा है, ब्रॉड पैंट्स वेस्ट से ऊपर, ड्रेन पाइप्स खत्म हो गई, ये लेयरिंग जो थी ये 3 साल पहले मुझे पता थी, इसीलिए जनवरी से हमारे सारे कपड़े लेयरिंग में चले गए, सारे सिल्वेट्स हमारे चेंज हो गए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया को ये फैशन गाइड करता है। अच्छा जी, अगर आप इन ट्रेंड्स पे रहे हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें, तो जो भी बाहर से आदमी आ रहा है वो कहेगा ठीक है ये पाकिस्तानी मलबूसात जरूर हैं, बट इसके कलर्स, इसके शेप, इसके ट्रेंड्स और इसके फैब्रिक के टेक्सचर्स वही हैं जो मैं पेरिस में देख कर आ रहा हूँ या न्यूयॉर्क में या जापान में या कहीं भी और। तो देन यू विल से कि जी ये कंट्री हमारे एट पार है, नॉन वर्बली ये वही बोली बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, 2019 में चले फिर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं हम। 2019 जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं, समर गर्मियां, क्या कलर है जी इंटरनेशनली, कौन सा कलर इस्तेमाल? सैंड। अच्छा, रेत का रंग नहीं, रेत के भी 2-3 रंग होते हैं। सैंड, लाइट सैंड, समंद्री रेत का रंग, लाइट गोल्ड, बहुत लाइट गोल्ड, डस्ट गोल्ड, बल्कि डस्ट गोल्ड। डस्ट का रंग ले लें, लाइट ले लें, हल्की मिट्टी का रंग ले लें, ऑफ वाइट ले लीजिए, ये बेसिक कलर्स हैं, लाइट शेड्स ऑफ ग्रे। और इसके साथ इसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है लाइट शेड ऑफ ग्रीन, वेरी लाइट शेड ऑफ ब्लू, वेरी लाइट शेड ऑफ It's light shade of flamingo coffee basically. Coffee को अगर बहुत दूध में आप dilute कर लें, तो जो रंग आएगा वो रंग है। ये सारे light colors हैं। इसका पूरा color palette है। Sand के ही वो मुख्तलिफ shades हैं और उसको highlight करने के लिए brown is an in color,
इस सीजन में ब्राउन, लाइट ब्राउन, उससे ज्यादा ब्राउन, ये ब्राउन की हाइलाइट्स है। और मतलब इसमें तो मैं तो ब्राउन काफी हद तक ब्राउन में हूं, वहां तक है बिल्कुल, लेकिन चॉकलेट है जरा, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ब्राउन की फैमिली तो है, ब्राउन की फैमिली है। अच्छा फिर आप, अब हमारे हो सकता है सर्दियों में आप हमारे हाथ ना आए, तो हम ये भी पूछ लेते हैं कि अब जो सर्दियां आगे आएंगी सर्दियों में उसका भी बता दें। सर्दियों में अमूमन डार्क कलर्स होते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो आप सर्दी में बगैर सोचे समझे काला, गहरा नीला, डार्क ब्राउन, आप कोई भी गहरा रंग पहन ले, आप चल जाएंगे। लेकिन फिर भी जो होता है कि एक सीजन का कलर, वो अभी खैर अनाउंस नहीं हुआ, सीजन का सर्दियों का भी नहीं होगा, मतलब वो वी विल लेट यू नो कि जब आएगा। ओके, लेकिन अभी समर का जो है, समर इज लाइट पेस्टल्स, वेरी लाइट पेस्टल, बेसिकली सैंड से रिलेटेड जो भी कलर्स हैं वो, और उसके साथ हल्का ग्रीन और हल्का ब्लू एंड वेरी लाइट पिंक। इट्स नॉट एग्जैक्टली पिंक, इट्स लाइक कॉफी को लाइट कर दें तो वो ब्राउन और पिंक को मिला लें, वो कलर है। अच्छा मीर, ये बताएं कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतनी प्री प्लानिंग होती है उस खास फैशन के, आपने बताया पूरी एक साइंस है उसके लेवल पे, तो ये भी फिर प्री प्लान्ड होता है कि अब मसलन लड़कों में जीन्स खुले पैंटों की हो जाएंगी या चीनोज हो जाएंगी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर अभी आप बाहर जाएं तो सारे पैंट्स जो हैं, हर साल पहले एक मुल्क सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा, कि इस साल ये मुल्क का जो है वो इन्फ्लुएंस हर जगह होगा। इस अब जो इन्फ्लुएंस चल रहा है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स वो जापान है। अच्छा जी, तो जापान के अब ट्राउजर्स जो आ रहे हैं वो किमोनो स्टाइल ट्राउजर्स हैं, वो इतने बड़े बड़े पैंचे हैं, रैप अराउंड्स हैं, उसको बांधते आप कमर के ऊपर हैं, लो वेस्टेड नहीं है, स्लीव्स खुली हो गई हैं, टी शर्ट्स लंबी हो गई हैं, शॉर्ट अगर पतले पैंचे हैं तो फिर इतनी लंबी कमीज है उसके ऊपर। ये मर्दों की बात, मर्दों की बात कर रहा हूँ। जापान इज द इन्फ्लुएंस, तो जापानीज कल्चर से बहुत ज्यादा फैशन इस वक्त मुतासर है। आज से मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले एक दफ़ा इंडिया से मुतासर था। इसी फेयर पे मैं गया था, तो जब मैं एंटर किया था उस फेयर को, जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो मेन सेंटर उसके एट्रियम में ठेले पड़े हुए थे जिसमें वो मसाले रखे हुए थे, चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, इंडिया का स्पाइस बाजार उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ था। तो उस पर बाननी, चुनरी, ये सारी चीज़ें इन फैशन थी। So, आजकल दो, अगले साल दो साल के अंदर तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब इन समर्स में जो लड़कों की अगर हम कर लेते हैं वो जीन्स सिर्फ बेल बॉटम्स नहीं है, उसकी बनावट ही डिफरेंट है, वो वेस्ट से शुरू होती हैं और ढीली हैं, स्ट्रेट हैं, और टखनों से थोड़ी ऊपर खत्म होती है। तो ये पाकिस्तान में आएंगे? अगर आ जाती हैं और कोई अगर आके पहन के देखता है यहाँ पे तो इंस्टेंटली बोलेगा 2019 में इन 10 ममालिक में ये फैशन इन है, और अगर पाकिस्तान में भी इन है तो इसका मतलब है पाकिस्तान किसी एक फील्ड में उन एडवांस्ड कंट्रीज के साथ एट पार है। इंटरेस्टिंग। और अगर वो नहीं देखता कि वो देखता है कि ये चीज हमने आज से 5 साल पहले इन फैशन में दी थी, ये अब पहन रहे हैं, इसका मतलब है इनका मीडिया, इनकी अवेयरनेस, इनकी फॉलोइंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 साल पहले। तो फिर अमीर ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, इस वक्त जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, जो अगेन जीन्स की बात करते हैं, जो जीन्स बना रहे हैं, तो वो फिर क्यों नहीं बना रहे ये चीजें? बनाएंगे, बस सेलेबिलिटी भी तो है ना उसकी, कि अगर अवेयर ही नहीं है कोई आदमी, तो ये एक साइकिल है पूरा इसको, लाइक आई सेड, ये अगर मैं बना के आज के मोनो स्टाइल की जीन्स बाजार में ले आऊं कोई भी नहीं पहनेगा, ठीक है, वो पूरा साइकिल चलता है। क्योंकि हमारी, अगेन मैं एक बबल में काम नहीं कर सकता, मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ, इस इकोनॉमी का हिस्सा हूँ, तो मैं वो चीज़ बना सकता हूँ कि उसका कुछ एलिमेंट लेके अपनी इकोनॉमी में डाइल्यूट करूँ, अपने मुल्क के हिसाब से उसको कन्वर्ट करूँ, और फिर उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लेंड इन कराऊँ। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर ईद के बाद मैं किमोनो स्टाइल की की नमाज पे, मगर एक्चुअली देखा जाए तो सुन्नत के मुताबिक है, क्योंकि टखनों से ऊपर है वो, एग्जैक्टली, जिस्म का कोई पार्ट नजर नहीं आता, ढीला है, कुर्ते ढीले हैं, आपके जिस्म का कोई कट, कोई पार्ट नजर नहीं आता, कहने को हाई फैशन है। अब देखिए एक अजीब सी बात है, जब शुरू में दाढ़ी रखी थी तो सब कहते थे कि मौलवी बन गया, आज दाढ़ी रखे तो कहते हैं आप बड़े फैशन में हैं। तो ये तो साइकिल्स हैं, आज से 100 साल पहले या 400 साल पहले अगर आप देखें तो जितनी वेस्टर्न औरतें थीं वो पर्दा करती थी, उनके बाल नजर नहीं आते थे, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि घर से बाहर बाल, यूरोप के अंदर बाकायदा बिल्कुल पर्दा होता था, ठीक है, आज पर्दे को हम बुरा कह रहे हैं। तो ये फैशन के साइकिल्स हैं जो आएंगे और जाएंगे, और ये भी बड़ी स्टडी है फैशन और रिलीजन, एब्सोल्युटली इस पे भी होती होगी स्टडी, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली। अमीर अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, मजेदार दिलचस्प गुफ्तगू फैशन के हवाले से, रही मेरे साथ, छोटा सा मशहूर ब्रेक।
हमारे साथ आज मौजूद है अमीर अदान ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे, और बहुत ही मैं डिप्रेस हो गया हूँ इनसे गुफ्तगू करके सुने तो सही क्यों भाई, मैंने इतनी मुश्किल से पूरा एक साल लगा के 10 किलो वजन कम किया कि अब मैं ऐसे टाइट टाइट इन समर्स के अंदर टी शर्ट्स और पहनूंगा और चीनोज वगैरह, और आपने मुझे खबर सुनाई है कि लूज इज इन, आपने वो भी अब लूज कपड़े इन हो रहे हैं। देखिए खुशबू छुपाए नहीं छुपती तो आपका जो अंदर का हुसन है वो छुपाए नहीं छुपेगा, वो बाहर फिर भी आ जाएगा, फिर भी आएगा। मुझे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, डिप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके ग्रेट, फैशन शोज पे मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि बड़े खूबसूरत फैशन शोज होते हैं, उसमें खूबसूरत मॉडल्स होते हैं, प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, अच्छा अच्छा म्यूजिक होता है, हम शाम को जाते हैं, हमने किसी से पास भी लिया हुआ होता है, और हम जाके अच्छा सा फैशन शो अटेंड करके और खाना खा के घर वापस आ जाते हैं, और अगले दिन अच्छी सी एक बड़े से अंग्रेजी के अखबार में एक तस्वीर भी आती है और एक बड़ा अच्छा सा राइटअप भी होता है। फैशन शो क्या होता है? देखिए जी, आपने पूरा जो उसका जो जिस्ट है आपने पढ़ के सुना दिया। फैशन शो का जो असल मकसद है, जो मैंने आपसे कहा कि 3 साल पहले बताना कि क्या चीज़ इन फैशन है, ये एक बिजनेस का एक अलामत है, बिजनेस साइकिल चलाने की चीज़ है फैशन शो, एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा, एंटरटेनमेंट नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर फैशन शो में कोई मुझे कमेंट कर दे कि जी म्यूजिक अच्छा था, मॉडल्स अच्छी थी, शो स्टॉपर्स अच्छे थे, मैं वहीं पर उसको एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दूंगा कि ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। कपड़े क्या थे, ट्रेंड्स क्या थे, और उसकी हमारी से आगे बिजनेस किस तरह से चलेगा, अगर उसके बारे में बात नहीं की, इसका मतलब जो मैं आपसे पहले बता रहा था कि जर्नलिस्ट फैशन शो के बारे में कमेंट करते हैं, अगर आप पढ़ें तो वो क्या बता रहे होते हैं। अगर आप एंड जो अप्रोप्रिएट चीज़ है वो दिखा भी दें तो नोबडी पिक्स इट अप, बिकॉज किसी और को उसकी नॉलेज नहीं है। तो जब किसी और को उसकी नॉलेज नहीं है और अब बैठ के आप देख रहे हैं कि अच्छा मेरे ख्याल में क्या अच्छा लग रहा है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर यहाँ मैं बैठ के बताऊं कि जी क्रिकेट ऐसे खेलना चाहिए और मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्रिकेट की कि मेरे ख्याल में इसको टीम में होना चाहिए क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है, या मेरे कपड़े खरीदता है इसको टीम में डाल दो, तो जाहिर है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अभी फैशन शो में लाइक आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कट्स के बारे में, लूज पैंट्स, लेयरिंग और एक ही कलर को तीन उसमें आप कीजिए, ये हमने अभी रिसेंटली एक फैशन शो किया था उसमें हमने ये सारा कुछ दिखाया, बट सैडली एक किसी जर्नलिस्ट से शायद पिक किया होगा, बाय एंड लार्ज जो लोग हैं किसी ने कपड़ों के बारे में ये जो ट्रेंड है नहीं पिक किया। क्या क्या लिखा फिर जर्नलिस्ट? शो स्टॉपर इनका ये था, इनके तीन लोग ऐसे आए, तीन लोग ऐसे आए, म्यूजिक ऐसा था किसी चीज के बारे में बात कर देंगे, मगर जो कपड़े हैं उसकी मुनासबत विद इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड वो फैशन में क्या नया ट्रेंड आने लगा है अगले साल आप क्या किसी ने कलर्स के बारे में बात नहीं की। ये सारे कलर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अपने बताया उस फैशन शो में लिख के भी दिया, सब किसी जर्नलिस्ट ने इसको किसी ने पिक नहीं किया। यही मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि अगर ये नॉलेज हम जर्नलिस्ट को दे दें तो ये इंडस्ट्री के फायदे में है, जर्नलिस्ट बुरा नहीं लिख रहा, ही इज जस्ट नॉट अवेयर। तो अमीर मुझे ये बताएं कि अब माँ बच्चे की सेहत पे बात करनी हो तो पाकिस्तान की हुकूमत या यूनिसेफ या ऐसे इदारे जो है वो सहाफियों को बुलाते हैं और मीडिया के प्रोफेशनल्स को बुला के उनकी ट्रेनिंग करते हैं। क्लाइमेट चेंज पे करनी, तो आप लोग क्या करें? ये तब होगा जब हम एहसास करेंगे कि फैशन इंडस्ट्री एक ग्लैमर और तमाशा नहीं है। फैशन इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मेराज है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हाईएस्ट वैल्यू एडिशन में पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर फैशन डिजाइनर्स हमारी, हम क्या यूज कर रहे हैं? पाकिस्तानी टेक्सटाइल यूज कर रहे हैं ना। अगर हम पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स को हाई वैल्यू एडिशन पे पहुंचा देते हैं तो जाहिर है हम किसके लिए काम कर रहे हैं? मुल्क को रेवेन्यूज कमा के दे रहे हैं, हर सेल पे टैक्सेस जाते हैं तो जाहिर है टैक्स का कंपोनेंट बढ़ जाता है। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के हवाले से अमीर अदान का क्या ड्रीम है कि क्या हो जाए तो यू विल बी सैटिस्फाइड टू सी दैट हैपन इन योर लाइफ टाइम? लेकिन जी आई वुड लाइक टू सी अ सिस्टमैटिक फैशन इंडस्ट्री जिसमें ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हो, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें आपस में कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, करोड़ों की आबादी है और हम तो पॉइंट शायद 1% को भी नहीं कैटर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे खुला कपड़ा नहीं मिलता अब क्योंकि वो उस वैल्यू एडिशन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आप रेडीमेड क्लोथिंग लेते हैं उसका फैशन होता है, और वो भी फैशन क्यों चेंज होता है? क्योंकि लाइफ साइकिल चेंज हो, मनी की वैल्यू अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हो या मतलब लोगों ने पढ़ी है, एक इकोनॉमिक साइकिल जो होता है दैट इज गेज बाय द नंबर ऑफ टाइम मनी चेंजेस हैंड्स। अगर एक नोट 10 दफा सर्कुलेट करेगा तो उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी होगी, और वो इतने में रहेगा तो उसकी इकोनॉमी छोटी हो जाएगी। तो सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हर साल आपको गाड़ियों का मॉडल क्यों चेंज किया जाता है? नॉट दैट कि गाड़ी खराब हो जाती है एक साल के बाद, में नया मॉडल क्यों आता है? बिकॉज द इकोनॉमिक साइकिल चेंज किया जाता है, उसमें नए फीचर्स क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो, मनी चेंजेस हैंड्स, जॉब्स क्रिएट हो लोगों के लिए। इसी तरह फैशन अगर हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल चेंज ना हो तो ये इकोनॉमिक साइकिल रुक जाएगा।
इससे सिर्फ ये नहीं कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं बट ये इकोनॉमिक साइकिल है। तो एक तो ये ड्रीम आपकी ये ड्रीम है ये हो जाए, दूसरा ये कि सक्सेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब? आप बाहर या जो सक्सेसफुल ममालिक हैं या जो सक्सेसफुल कल्चर्स हैं वो अपनी नॉलेज को पास ऑन करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। दिस इज लाइक जब रिले रेस हम करते हैं एथलेटिक्स में तो बटन पास ऑन किया जाता है। Exactly. तो अगर बटन आप ना पास ऑन करें और वो गिर जाए कहीं पे और मैं रख के बैठ जाऊं तो मैं तो रेस नहीं जीत सकता ना। रेस तो कलेक्टिवली जीतनी, कलेक्टिवली जीतनी। मेरा लाइफ स्पैन तो इतना सा है, मैं तो कितने साल जीऊंगा? ठीक है, मुझे काम करते हुए 28 साल हो गए, फ्यू मोर इयर्स में भी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये लेगेसी खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। बाहर के जो ब्रांड्स हैं वो 150 साल पुराने, 200 साल पुराने। मैं इटली में अभी किसी के साथ बैठा था, वो 7 जनरेशन से एक ही काम कर रहे हैं। तो इट्स अ 7 जनरेशन लेगेसी। उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी वे ऑफ डीलिंग इज ब्रिलियंट। तो फिर इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए अमीर अदनान, वी नीड टू पास ऑन, वी नीड टू पास ऑन। हमने 4 साल पहले हमने ये काम किया था कि हमारे जितने वर्कर्स थे उनको हमने शिफ्ट किया इनटू एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा। हमने उनको जो उनकी मशीनें थी वो बेच दी। हमने उनको कहा कि अब आप एंटरप्रेन्योर्स बने, आप अपनी फैक्ट्रीज जाके लगाएं और आप वी विल बी योर बायर्स। वाह। तो वो अब मेरे पास कोई टेलर्स नहीं है, वी डोंट मैन्युफैक्चर एट ऑल। मेरे जितने पुराने टेलर्स थे उन सब ने अपनी अपनी यूनिट्स लगाई दी, देयर ऑल मैन्युफैक्चर फॉर मी। और आप उनसे खरीदते हैं? मैं उनसे खरीदता हूं। आप डिजाइन करके उन्हें देते हैं? मैं डिजाइन करके देता हूं, दे मैन्युफैक्चर फॉर मी एंड दे पास इट ऑन टू मी। वो खुद कार हो गए हैं, उनकी जो ग्रोथ है दैट्स फिनोमिनल। इसमें स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि एक मेरा कारीगर था जो पैंट सीता था, उसको स्ट्रोक हो गया व्हाइल ही वाज ऑन ड्यूटी एंड ही बिकेम पैरालाइज्ड, पार्शियली पैरालाइज्ड। तो 6 महीने तक वो घर पे लेटा रहा, काम नहीं कर सकता था, हम उसको तनख्वाह भिजा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मगर जब वो वापस आया इस कि मैं बोर हो गया हूँ घर पे, मैं क्या करूँ, वैसे भी इस्त्री पकड़ के तुम ऐसे ऐसे चलाओ। तो उसने 2-3 हफ्ते इस्त्री चलाई, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आया कि रोज़ बस में आता था, हाथ चलाता था। मैंने कहा कि नाउ यू कांट स्टिच बट ये 5 मशीनें लो और तुम मेरे लिए वेस्टकोट बनानी शुरू करो। तो उसने 5 दर्जी लिए जो उसके साथ काम करते थे, अपने घर पर उसने काम शुरू किया और उसके बाद मेरा ठेका लेना शुरू कर दिया। इन लेस देन अ ईयर्स टाइम उसके पास 60 लोग काम कर रहे थे, उसकी अर्निंग क्वाड्रुपल्ड, आई डोंट नो ब्रिलियंट कितने 1000 टाइम्स उसकी अर्निंग्स बढ़ गई और वो एंटरप्रेन्योर बन गया। उसको दिखा के मैंने एग्जांपल के तौर पे जितने मेरे वर्कर्स थे मैंने कहा जब ये कर सकता है आप सारे कर सकते हो। अब आपके पास कोई दर्जी नहीं? आई डोंट हैव एनी टेलर्स, आई जस्ट हैव अ सैंपल यूनिट। सैंपल बना के फिर अपने ही पुराने टेलर्स को उन्होंने बहुत और टेलर्स अपने लिए, दिस इज पासिंग ऑन। अब वो मेरे लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। और ये फिर इंडस्ट्री का लफ्ज़ जब हम यूज करते हैं ना तो वो फिर इसी तरह बिकम्स एन इंडस्ट्री। दूसरा, आपके पास जो भी नॉलेज है ना अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप एम्पावर करें। सक्सेस इज एम्पावरिंग द पीपल हु आर अराउंड यू। अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं, खुशी क्या चीज़ है, कामयाबी क्या चीज़ है, मैं उसको इस तरह से गेज करता हूँ कि मेरी ज़ात से कितने और लोगों को खुशी हासिल हुई, मेरी ज़ात से कितने और लोगों को कामयाबी हासिल हुई। मेरी ज़ात से अगर बहुत सारे लोग कामयाब हो गए तो मैं उनकी कामयाबी का जरिया बन गया, तो माई कामयाबी बिकम्स बिगर। जितनी कामयाबी आपके अंदर से फ्लो होगी उतनी कामयाब, उतना ही ज़्यादा कामयाब इंसान होगा। कामयाबी कभी अकेले हासिल नहीं होती। आप दूसरों को कामयाब करें, दूसरों को एम्पावर करें, दूसरों को नॉलेज के साथ एम्पावर करें, उनको ग्रो करने का तरीका दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही टाइम है। उतने टाइम के अंदर आप जो कुछ कर सकते हैं ना, द की इज टू पास ऑन एज मच एज पॉसिबल। जितना आपके अंदर आया सब बाहर कर दो, उतना ही और आएगा, उसको फिर बाहर निकालो। एब्सोल्युटली। अच्छा अमीर, ये बताइए कि आप जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके बारे में एक तासुर ये भी है कि अब एक्चुअली अमीर अदनान खुद बैठ के डिज़ाइन नहीं करता है। एक एक पीस में खुद बैठ के डिजाइन करता हूँ, मैं खुद स्केच करता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। ये जो कलर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें, ये सब मैं खुद बैठ के बनाता हूँ। बट अमीर अदनान को तो टाइम ही नहीं मिलता होगा। बिल्कुल, मेरे पास करने का है क्या? मिलान और पेरिस और बार्सिलोना से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वहां बैठ के भी तो ख्याल का काम है, काम तो होता है। काम आप यहाँ से करते हैं, हाथों से नहीं। हाथ चलाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ उनको आइडिया देने की बात होती है। अब तो मेरी टीम इतनी डेवलप हो गई, तो ना मैंने कभी स्केचिंग की है बहुत अरसे से, ना मुझे कुछ लिखने की जरूरत पड़ती है, मैं हाथ चलाता हूँ काम। सबसे मजे की बात यह है कि मेरा जो हेड डिजाइनर है ही इज अ हियरिंग डिस्पेड पर्सन एंड ही कैन नॉट टॉक। ठीक है, ही कैन नॉट हियर और स्पीक। ठीक है, जब वो मेरे पास आया था तो मुझे बड़ा चैलेंज था कि मैं इसके साथ कैसे काम करूँ। मैंने सिर्फ उसकी जुबान में 4 चीजें सीखी। इसको कहते हैं काला, इसको कहते हैं वाइट, ये औरत है और ये मर्द है। इन 4 जुबानों से पूरी डिजाइनिंग इट टेक्स मी फ्यू सेकंड्स टू एक्सप्लेन हिम क्या करना है। वो सारी बातें समझ के यूं करके मेरे पास चीजें लेकर आता है। तो कौन सी वोकैबुलरी, कौन सा बात, तो इवन बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड मिल जाए और आप सारी चीजें किसी और को पास ऑन करने के लिए ओपन हो जाए तो आप किसी से कुछ काम भी ले सकते हैं। ही इज ब्रिलियंट एंड नॉट ओनली हिम, वी हैड अ होल टीम ऑफ पीपल लाइक हिम
एंड वो मेरी पूरी डिजाइनिंग वो करते हैं बैठ के, एंड कैन यू इमेजिन दिस एंटायर थिंग दैट यू सी कम्स आउट ऑफ पीपल, ना वो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, दे आर ब्रिलियंट एट देयर वर्क। अमीर अदनान, बहुत मजा आया मुझे भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अमीर अदनान और मेरे साथ ब्रेकफास्ट एट होम का ये स्पेशल सेशन एंजॉय किया। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।